बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है खदीजा की रसोई में। आज की रसोई में हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं शाम के लिए झटपट सा बन जाने वाला चीला। तो ये चीला हम अंडे से बनाएंगे, तो शाम के हल्की पुल्की भूख मिटाने के लिए आप इसे फटाफट बना सकते हैं, और इसके अलावा सुबह के नाश्ते के लिए भी आप इसे बना सकते हैं। तो ये चीला टेस्टी तो है ही, साथ में हेल्थी भी है, और ये जल्दी से बनकर तैयार भी हो जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम क्लिक कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से दबाइएगा, ताकि आपको हर रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे अपलोड होने के बाद। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर से कर दीजिए। तो अब हम देख लेंगे इसके इन्ग्रीडियंट्स। 4 अंडा हम लेंगे, 150 ग्राम व्हीट फ्लार हम लेंगे, 1 बॉल कोरिएंडर लीव्स हमें चाहिए, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ हमें चाहिए, और हम लेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये 4 हरी मिर्च है बारीक कटा हुआ, या फिर आप जितना स्पाइसी पसंद करते हैं आप उतना ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम चारों अंडों को एक एक करके फोड़ लेंगे, फिर हम इसे अच्छे से फेटेंगे। हमें अंडे को अच्छे से फेंटना है, अंडा जितने अच्छे से फेंटाएगा अंडे का चीला उतना ही अच्छे से बनकर तैयार होगा, एकदम जालीदार। तो कम से कम 5 मिनट तक हम इसे अच्छे से फेंटते हैं। तो अंडा अच्छे से फेंटा चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। तो इसमें क्योंकि आटा भी पड़ेगा तो नमक अब्सॉर्ब करेगा, तो उस हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। अब हमें डालना है 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, आप इसकी जगह चिल्ली फ्लेक्स भी ले सकते हैं। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे, तो मिर्ची का आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं जितना तीखा आपको पसंद है। अच्छे से फेंट लेंगे इसे भी। तो आप चाहे तो इसमें वेजिस भी डाल सकते हैं अगर आप खाना पसंद करेंगे तो चिल्ली में, जैसे कि गाजर, कैप्सिकम या फ्रेंच बीन, अपने पसंद का कोई भी सब्ज़ी आप इसमें डाल कर फेंट सकते हैं। अच्छे से फेंट लेंगे हम इसे। तो अंडा अच्छे से फेंटा चुका है, अब हम यहाँ पर आटे का भी घोल बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और इसे फेंटते जाएंगे, तो इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है, अच्छे से हमें फेंटना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी ठीक है। तो अभी हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसे, एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर लीव्स, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें डालना है बारीक कटा हुआ प्याज, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अपने पसंद का भाजी भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें जो अंडे का जो बैटर है वो ऐड कर देते हैं। तो अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम अंडे के बैटर को, आटे के घोल से अच्छे से मिक्स करना है। तो आप अगर 1-2 अंडे का बना रहे हैं तो आप उसी अंडे के बैटर में पानी डालकर आटे को घोल सकते हैं। तो जो भी इजी स्टेप आपको लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं, एक ही बर्तन में घोल सकते हैं अंडा और आटा। तो अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, आप इसका कंसिस्टेंसी देख सकते हैं बैटर का। तो बस हमें ना ज़्यादा पतला रखना है और ना ही एकदम इसका थिक रखना है। तो ये जो मिर्ची है ये भी हम डाल देंगे, क्योंकि आटा हमने डाला है, तो आटा डालने के बाद हमें लगा मिर्ची कम है तो इसलिए हमने थोड़ा और डाल दिया। तो आप भी चेक कर अपने हिसाब से नमक मिर्ची एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छे से घोलेंगे। तो अब हम इसमें बचा हुआ कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देते हैं, और थोड़ा सा नमक हम इसमें और डालेंगे, क्योंकि इसमें आटा मिक्स होने के बाद हमें लगा नमक और मिर्ची और पड़ना चाहिए, तो हमने और इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप ये बैटर का कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, तो हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए, ना ही हमने इसे एकदम गाढ़ा रखा है और ना ही एकदम पतला। अगर एकदम पतला रहेगा तो ये चीला बनेगा नहीं, टूटेगा, और गाढ़ा रहेगा तो फिर अंदर चीला कच्चा रह जाएगा। और हमने इसमें 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल भी हमने मिलाया है, क्योंकि कैमरा बंद था तो हम शूट नहीं कर सके। तो आप भी इसमें 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल मिला लीजिएगा, और अगर आपको लगे आपका बैटर पतला है तो आप थोड़ा सा आटा मिला लीजिए, या फिर अगर आपका बैटर
एकदम गाढ़ा है तो आप थोड़ा पानी मिलाकर इस तरह एडजस्ट कर लीजिए कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर हमने पैन रख दिया है चूल्हे पे, तो इस पर हम एक छोटा चम्मच तेल डालेंगे। इसे अच्छे से हमें स्प्रेड कर देना है चम्मच की मदद से। तो फ्लेम को हमने अभी हाई रखा है, जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। तो तेल को हमें अच्छे से स्प्रेड कर देना है पूरे पैन में। पैन गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें एक कलछी डाल देंगे बैटर। पैन को हम थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि ये बैटर अच्छे से स्प्रेड हो। तो हमें चम्मच से इसे स्प्रेड नहीं करना है, हम पैन को ही इस तरह हिला करके इसे एक लेवल में कर देंगे। तो फ्लेम को हमने अभी हाई कर दिया है, हाई फ्लेम पे हम इसे कुछ देर पकने देंगे ताकि इसका जो नीचे का लेयर है वो थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। फिर हम इसका फ्लेम लो करके 1 मिनट तक हम इसे सिकने देंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पके, नहीं तो फिर कच्चा रह जाएगा। ऊपर से हम थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डालेंगे, तो तेल डालने से ये अच्छे से पकेगा, अच्छे से सेकाएगा ये। तो नॉर्मली चीला या डोसा में जो हमें कलर मिलता है वो कलर हमें मिलेगा। तो लो फ्लेम पे 1 मिनट के अंदर तक हम इसे पकने देते हैं। तो अब हम चेक करेंगे इसके साइड्स कितना रंग आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कलर आना स्टार्ट हुआ है, तो हमें इसे अच्छे से लाल करना है जैसे चीला या डोसा को हम करते हैं। अगर हम इसको पहले पलट देंगे तो ये टूट जाएगा, तो इसके लिए हमें अच्छे से इसे पकाना है एक तरफ से। तो अब हम इसके दूसरे ओर इसे पलट देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन आया है और इसमें इसका टेक्सचर एकदम चीले का आया है जालीदार। तो दूसरी तरफ भी हम हाई फ्लेम पे इसे 30 सेकेंड के लिए पकने देंगे। फिर उसके बाद इसका फ्लेम लो करके हम उसे दोबारा 30 सेकेंड के लिए पकाएंगे ताकि अच्छे से पके, क्योंकि इसका बैटर अंडा और आटे का था तो कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा हम घुमा लेंगे इसके साइड्स ताकि सब अच्छे से पक जाए, कच्चा ना रहे। तो इसे हम पलट लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी कलर आ चुका है हल्का लाइट ब्राउन और ये पक चुका है अच्छे से। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो हमारा चीला तैयार है। तो इसी तरह हम दूसरा ट्रिप भी बना लेंगे। तो दूसरा ट्रिप में हमने तेल नहीं डाला है क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रीस था, पहली बार में ही हमें डालना होता है। तो इसमें भी बैटर हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे पैन को हिला करके। तो इसे भी हम सेम प्रोसेस से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस पर भी हमने तेल डाला है 1 चम्मच, तो तेल से इसमें कलर अच्छा आता है। तो बस हम इसे पकने देते हैं। तो ये चीला भी पककर तैयार हो चुका है अच्छे से, गोल्डन ब्राउन जालीदार। दूसरा साइड भी अच्छे से रंग आ चुका है, क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है ये। तो हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट पे। तो बनकर तैयार हो चुका है हमारा अंडे का चीला। तो ये टोटल 10 चीला है, तो एक्चुअली टोटल 12-13 चीला बनकर तैयार हुआ था, लेकिन बनाते बनाते हमें भी भूख लग गई तो हमने तो ऐसे ही खा लिया 2-3 चीला। तो आपको भी जब भी भूख लगे आप भी चीला बनाइए और अपना भूख मिटाइए। तो अब हम कर लेंगे इसकी प्लेटिंग। तो तैयार हो चुका है अंडे का चीला, शाम की हल्की फुल्की भूख मिटाने में काम आएगा और सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी आप बना सकते हैं। टेस्टी और हेल्थी फटाफट से बन जाने वाला अंडे का चीला। तो अगर आपको रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, ज़रूर से सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी रेसिपी की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम दोबारा से हाजिर होंगे अपनी अगली रसोई में फिर किसी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।